हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन फर्स्ट से 8 तक। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल का क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, 9x² - 12xy, इसको कैसे सॉल्व किया था स्टूडेंट? 9x² - 12xy। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में हम कॉमन निकालते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, हर नंबर को आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद आप कॉमन लेना है, ठीक है? 9 का ब्रेक करेंगे क्या आएगा, 9 का एलसीएम क्या आता है, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 × 3 3 × 3। अब एक्स को भी आप वेरिएबल को ब्रेक करना है आपको, और नंबर को भी ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे क्या आएगा, x × x होता है। फिर 12 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 × 2 × 3, और ये x है × y, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट, ये नंबर सारा नंबर ब्रेक हो गया। अब हम क्या करना है स्टूडेंट, जो नंबर इसमें दो बार उसको हम कॉमन लेना है। कॉमन क्या कर ले सकते हैं, 1 3 यहाँ है, यहाँ है, तो हम 1 3 कॉमन ले लेंगे। बस एक ही 3 है तो 1 ही 3 कॉमन लेंगे, 1x 1x बचा क्या। अब कोई नंबर कॉमन ले ले सकते हैं, तो अब कॉमन ले ले तो अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास कौन कौन सा नंबर बचा, 1 3 बचा, 1x बचा, -2 बचा, मतलब 2 का स्क्वायर बचा, और y बचा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3x 3x -2 2 4y। तो देखिए उसने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यहीं भी कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड हो जाएगा 18x² y -24xyz। पहले क्या करते हैं, पहले सारे नंबर वेरिएबल जितना भी आपको ब्रेक करना, उसके बाद बस कॉमन ले लेना है, बस आपका ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ये वही हुआ 2 × 3 × 3 हो गया। अब एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे क्या आएगा, x × x, और y -24 24 है, 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये ब्रेक हो गया 24, 2 × 2 × 2 × 3 × x × y × z, सारे नंबर ब्रेक हो गए, सारे वेरिएबल ब्रेक हो गए। बस क्या करना, कॉमन ले लेना, कॉमन ले लेने क्या करें, देखिए 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो बाहर आ गया, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, बाहर आ गया। इसमें 2 3 है लेकिन इसमें 1 ही 3 है, तो हम सिर्फ 1 3 कॉमन लेंगे। इसमें 1 2 है, इसमें 3 3 2 है, तो हम 1 ही 2 कॉमन लेंगे, और x है इसमें, इससे भी x है, ये कॉमन ले लेंगे, 2x लेकिन इसमें 1x है, तो 1x हमारा कॉमन होगा। y इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो कॉमन हो गया, और इसमें z है, z इसमें नहीं है, तो हम कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है? बचा क्या, ये दोनों हो चुका था, ये 1x बच गया, और y हो चुका है -2 2 3 हो चुका है, x कॉमन ले लिए, y भी, z बच गया, हो गया हमारा 3 2 6 xy 3x -2 2 4 4 2 8, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसमें बस आप क्या करना है, एलसीएम लेके सारे नंबर को पहले ब्रेक करना, उसके बाद एलसीएम लेना, उसको सारे नंबर को ब्रेक करके, ब्रेक करने के बाद आपको बस कॉमन लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट, थर्ड वाला ये जो है, पहले क्या करेंगे, 27 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 27 का एलसीएम, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 27 का ब्रेक हो गया, 3 × 3 × 3। अब ए क्यूब है तो a × a × a हो जाएगा, 3 a हो जाएगा। बी क्यूब है तो b × b × b, माइनस अब 45 का एलसीएम लेंगे, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3 हो गया, 5 × 3 × 3, और a का पावर 4 है तो a × a × a × a, 4 बार होगा, पावर 4 है तो b 2 बार होगा। अब देखिए सर, इसमें कॉमन क्या क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, तो 2 3 बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे, फिर 1 3 एक्स्ट्रा है तो इसको कॉमन नहीं लेंगे, फिर इसमें 1 2 3, 3 a
तीन है इसमें चार है, तो तीन वाले को हम कॉमन लेंगे, ए इंटू ए कॉमन हो जाएगा। फिर इसमें बी थ्री है, इसमें बी टू है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, बी टू, बी टू दोनों में है तो पी इंटू बी, ठीक है। फिर ये हो जाए, सारे नंबर कॉमन ले लिया स्टूडेंट, देखिए अब क्या होगा, फाइव इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो हम फाइव कॉमन नहीं लेंगे, तो एक थ्री बच गया, फिर एक बी बच गया, थ्री बी हो जाएगा, माइनस फाइव बच गया, इसमें दोनों थ्री बाहर आ गया, इसमें थ्री ए बाहर गया, एक एक ए बच गया, तो एक ये यहाँ पे हो जाएगा और दोनों भी बाहर चला गया, तो ये क्लोज हो जाएगा यहीं पे। ये हो गया थ्री थ्री सा नाइन, ए क्यूब बी स्क्वायर थ्री बी माइनस फाइव ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सर अब क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ क्या है, टू ए एक्स प्लस वाई माइनस थ्री बी एक्स प्लस वाई। तो इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, एक्स प्लस वाई दोनों तरफ है तो कॉमन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हमारा कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ पे, इसमें यहाँ पे टू ए बचा और यहाँ पे भी सिर्फ थ्री बी बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देख लीजिए, फिफ्थ वाले सेम ऐसे ही है, टू एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस फोर वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या होता है, जो दोनों नंबर दोनों वैल्यू में दी होती है, तो इसमें पी की पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, तो आप इस नंबर क्या आप इस वेरिएबल को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों में दिया तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। और बचा क्या हमारे पास, टू एक्स बचा, ये बाहर चला गया है और प्लस फोर वाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब सिक्स वाला देख लीजिए, सिक्स वाला क्या है, एक्स ए माइनस फाइव प्लस वाई फाइव माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट आपको दिख रहा है कि ए माइनस फाइव और फाइव ए माइनस इसमें दिया है लेकिन कॉमन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे माइनस में फाइव है, यहाँ पे प्लस फाइव है, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट पहले हम साइन कैसे चेंज करेंगे, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉमन क्या होता है, एक्स ए माइनस फाइव, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, क्या माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो मतलब यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाए, तो ये माइनस हो गया, ठीक है वाई, और जो हम माइनस कॉमन बाहर ले लिए हैं तो जो अंदर वाला नंबर होगा उसको जो प्लस में होगा वो माइनस में जाता है और जो माइनस में तो वो प्लस में जाता है। हमेशा स्टूडेंट देखिए जब भी आपको साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होता है, जो माइनस में होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस में तो माइनस हो जाता है, तो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस फाइव और ये माइनस में तो प्लस ए, क्योंकि देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब एक्स ए माइनस फाइव माइनस वाई, अब ये ऐसे हो सकता है माइनस फाइव यहाँ पे माइनस फाइव यहाँ पे ए प्लस ए यहाँ प्लस ए यहाँ पे, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस फाइव। अब ये कॉमन हो सकता है, दोनों में ए माइनस फाइव है तो ए माइनस फाइव को हम बाहर ले लेंगे, बचा क्या एक्स माइनस वाई, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन्थ ये है, फोर ए, फोर ए प्लस बी माइनस सिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फोर ए प्लस बी, अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें ए प्लस बी दो बार दिया हुआ है तो आप इसको ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए प्लस बी ब्रेक हो गया, ये बस इसमें ए प्लस बी एक बार, इसमें ए प्लस बी दो बार है तो जो एक बार है वो कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी कॉमन हो गया एक, यहाँ बचा सिर्फ फोर बचा, यहाँ बचा सिक्स और एक ए प्लस बी, क्योंकि एक ही कॉमन लिया है ए प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सर एट वाला अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, यही भी हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, सिक्स माइनस फोर आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे वेरिएबल लगा हुआ है और इसके पीछे कुछ नहीं है, तो ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। एट वाला देख लीजिए, एट वाला एट थ्री ए माइनस टू बी स्क्वायर माइनस टेन थ्री ए माइनस टू बी। अब देखिए सेम क्वेश्चन सेवन जैसा है ये,
इसमें भी, इसमें भी क्या है सेम, 3a-2b होल स्क्वायर है, दो बार दिया हुआ है तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे, 3a-2b हो जाएगा और ये 3a-2b, 3a-2b, तो इसमें दो बार दिया हुआ, इसमें एक बार दिया तो कॉमन क्या होगा, एक बार होगा तो कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 8 बचा और एक 3a-2b बचा, ठीक है, यहाँ बचा 10, तो ये हमारा आंसर हो गया है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।